हाय गाइस, तो फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। पर ये बात है, आप सबका मुझे ढेर सारा डीएम आ रहा था कि आप अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट करोगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जो हम में से किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए मैं लेके आई हूँ चिटचैट विद अंजना। तो मैं किसी से भी रैंडमली, कोई भी होगा, मैं उनसे बातचीत करूंगी और आपके जितने भी सवालात होंगे जो आप कमेंट्स में करते हो या कुछ, तो मैं ट्राई करूंगी कि उन तक लेके जाऊँ, मैं पूछूं और फिर आपको अपना जवाब मिले। तो फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं ये कर रही हूँ, आप सब उनको जानते हो और उसकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग बेस है। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको वहीं पर लेके चलती हूँ। तो मैंने सोचा मेरे किसी करीबी इंसान के साथ स्टार्ट किया जाए। सो वेलकम मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन मुस्कान शर्मा। नॉट सबको लगा होगा बोले कि बेस्ट फ्रेंड की बहन। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड टू। तो यहाँ पे अभी मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका तुझे मुझे जवाब देना है। इट कैन बी पर्सनल ऑल्सो। सो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन आंसर, नहीं तो भी यू हैव टू आंसर बिकॉज़ इट्स माय शो। सो फर्स्टली, सो अगर तुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है अपने फॉलोअर्स को, तो तू कैसे करेगी? मतलब वो मुझे खुद ही, सब जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मुझे पहले इस चीज से जानते हैं कि एक क्यूट सी, भोली भाली सी, प्यारी सी लड़की है मुस्कान। बहुत ही नेचर जिसका बहुत अच्छा, मतलब ये आप लोग का अजम्पशन है मेरे लिए। तो मैं अपने आप को भी ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि मैं मुस्कान हूँ और मतलब मैं दिल की तो सच में ही बहुत अच्छी हूँ। मैं ऐसे नहीं कि सच में अपनी ही तारीफ कर रही हूँ, बट मैं कभी किसी के साथ गलत करने से डरती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कभी किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। तुम जैसे भी आगे बढ़ो, कुछ भी करो लाइफ में, किसी का दिल मत दुखाओ। जो करना है करो, जब तक कोई चीज सिर्फ किसी का दिल नहीं दुख रहा तुम वो सारी चीज करो, बस मैं ऐसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तूने कभी सोचा था कि तेरे इंस्टा पे 8 मिलियन फॉलोअर्स, कंग्रेचुलेशन फर्स्टली, और यूट्यूब पे 2.5 मिलियन होंगे? एक्चुअली कोई अपना फ्यूचर देख प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता है, मैंने सोचा तो नहीं था, बट मुझे कभी नहीं पता था ऐसा होगा। I mean, जो भी मेरे पास्ट का फेस था, तभी अंजना इंडिया में नहीं थी तो हम टेलीफोनिक कॉल पे बात करते थे, टेलीफोनिकली बात करते थे कि अंजना ऐसा, और अंजना मतलब सारे लोग बोलते थे, बट अगर मैं आज अंजना के साथ हूँ तो अंजना मुझे हमेशा बोलती थी, मुस्कान तू परेशान मत हो, तेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। जब तक मेरा कुछ भी नहीं स्टार्ट किया था मैंने, तो ये सब लोग ने बहुत ही सपोर्ट किया था, तो मैंने सोचा तो नहीं था, बट शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए यही चुना था, यही चाहा था। मैं हमेशा बोलती हूँ ऊपर वाले के प्लान्स को ट्रस्ट करो, जो वो चाहेगा वो अच्छा। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा ही, ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड एवरीबॉडी। तो मुझे तो पता है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क, तू अपने वर्क को वर्क के हिसाब से लेती है या यू जस्ट गो विद द फ्लो, या कोई बर्डन होता है कि नहीं ये टाइम पे ये करना ही है? एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जैसे लोगों को मतलब मैं बताती हूँ इसका जवाब जो है। शुरुआत जब मैंने की थी ना, बहुत मन से मस्त वीडियो बनाती थी, स्टोरीज पे इतना एक्टिव रहती थी, सब करती थी, अभी भी मेरा मन करता है, बट अभी ऐसा हो गया कि मतलब मैं डीएम्स वगैरह भी जब चेक करती हूँ तो सब ऐसे बोलते आप इतना एक्टिव क्यों नहीं। सारा वक्त एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी कभार, ज्यादा हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं, शायद यार स्टोरी पे कुछ नहीं डाला, कुछ तो डाल दो, ऐसा कभी कभार होता है, नॉट ऑलवेज। नहीं तो जब मूड नहीं सही रहता तब मेरा मन करता है थोड़ा ऑफ ले लूं, बट मैं सोचती हूं इतने सारे लोग हैं जो रोज मुझे देखना चाहते हैं, तो कभी कभार उनके लिए मुझे मन को थोड़ा सा वो करके भी कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करती ही रहती हूँ। एक ही दिक्कत है जो मैं चेंज करना चाहूंगी, मैं कभी भी कोई जगह पे टाइम पे नहीं पहुंचती है। लेट लतीफ है बहुत। आज के लिए भी ऐसा ही हुआ, अंजना मेरे सर पे बैठी थी, मुस्कान बहुत लेट हो जाएगा। और अभी आई वांट टू टेल यू, रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे 1:36 को हम शूट कर रहे हैं, मतलब 1 बजे के बाद। शाम का प्लान था पर होते 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 रात, एक सेकेंड, शाम का कोई प्लान नहीं था। तूने क्या बोला था? तूने क्या बोला था? मैं मूवी जा रही, मैं पठान मूवी जा रही इमरान के साथ। मैंने तुझे क्या बोला? पक्का? हाँ हम कल करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब जब इतना बातें हो रही है तो लेट्स गेट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। रेडी? पूछूंगी। सो बहुत सारे तेरे जो भी पोस्ट होते हैं या यूट्यूब होते हैं, उनमें सब में एक क्वेश्चन है जो एकदम ही कॉमन आता है, और शायद देखो डीएम्स में भी आप लोगों ने किया होगा कि मुस्कान की बहन को देख लिया,
मम्मी को देख लिया, भाई भाभी सबको देख लिया, कहाँ है मुस्कान के पापा, पापा क्यों नहीं दिखते, तो कहाँ है पापा। सब मुझसे यही चीज पूछते हैं और ऑफ कोर्स मैं भी जवाब देना चाहूंगी। जैसे मतलब एक पर्सनल लाइफ की चीज, अगर आपको कोई चीज जाननी है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं नहीं बताऊं, बट अंजू को तो पता ही है, बट जानते हैं लेकिन आपके लिए एक्चुअली वो कंफर्टेबली नहीं है सोशल मीडिया पे आने के लिए। जिस दिन वो होंगे, हो सकता है जब मेरी शादी हो मे बी, तो जरूर आपको दिखेंगे, बट वो कंफर्टेबल नहीं है, बस यही रीजन है और कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरे पास्ट के रिलेशनशिप को लेके तो सब जानते हैं, कुछ और करते हैं, कट करते हैं इसको, कट करते हैं इसको, हम कुछ और करते हैं, नहीं विल नॉट गेट इन टू दैट, वो तो सबको पता है और बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक हो गया है वो। ओके, सो बट आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू डील विद दैट, यू नो इट, हाँ आई नो, मतलब आई वांट टू नो का मतलब कि लोग जानना चाहते हैं कि तूने कैसे डील किया, क्या आप जानना चाहते हो? नहीं, अच्छा नहीं जानना चाहते। एक्चुअली अच्छा सवाल है, मैंने डील कैसे किया वो सबको जानना बहुत जरूरी है। सी पहले मैं सोचती थी, मतलब सभी जब बहुत फ्रेश था ना, सब ऐसे सोचते थे ठीक है ना यार, कुछ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे था कि एक हमदर्दी के साथ से, बट कुछ कुछ लोग सबके साथ होता है, मैं सोचती थी ऐसे क्यों बोल रहे सबके साथ होता है, मेरे को बुरा लग रहा है ऐसे। फिर अब मुझे समझ में आता है कि ये चीजें बुरी है बट सबके साथ होता है, तो इसके साथ डील। मैं सच बताऊंगी, ऐसे कुछ वावाई वाली बात नहीं है, तुझे भी पता है कि अंजना दूर थी, हम एवरीडे बात करते थे, मेरे पेरेंट्स मतलब हर एक इंसान से मेरी रेगुलर बात होती थी। अगर मैं अकेली रहती तो शायद मैं डिप्रेशन में जाती, बट मेरी मम्मी 24/7, और यकीन मानो प्लीज ये बहुत ही पर्सनल, मैंने कभी नहीं बोला है, हमेशा मतलब एक ही सवाल भी हो सकता था कि तेरे पसंद की वजह से देख कैसा हो गया अभी, और सब जगह पता था और बाकी सारी भी चीजें, बट मेरी मम्मी ने एक बार भी आज तक कभी ये नहीं बोला बेटा तेरी पसंद की वजह से ऐसा हो, कभी नहीं, कोई बात नहीं बेटा होता है, उल्टा मेरी मम्मी मुझे सॉरी बेटा सॉरी, हम शायद तेरे लिए पहचानने में हमने गलती कर दी, मुझे मतलब बोलते हुए भी मुझे रोना आ रहा है कि मतलब ऐसे भी मतलब ठीक है, बट सबने बहुत साथ दिया, मुझे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा, मुझे ये बोला कि नहीं तुम अपने लिए कुछ करो, तुम स्टार्ट करो, तुम सोशल मीडिया पर, तब आई थिंक टिकटॉक बंद हो गया था, तो मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट ऑफ किया, और आप सभी ने भी फिर बहुत सारा प्यार दिया, और तो ऐसे करते धीरे धीरे मुझे और मोटिवेशन मिला। आपको मेरे वजह से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे बढ़ी हूँ, बट सच तो ये है कि मुझे जितने भी लोग मेरे आसपास है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आप लोग ने भी इतना मोटिवेट किया कि मैं यहाँ तक आज आ पाऊँ। तो अगर तू जिस फेस में थी उसी फेस में होती तो आज तू जहाँ है, तो व्हाट डू यू फील कि तू कहाँ होती, मतलब सी अगर जो पहले का फेस था, अगर वही फेस में मैं होती और थिंग्स वुड हैव नॉट चेंज्ड, मैं यहाँ नहीं होती ऑनेस्टली, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ऊपर वाला जाने, नहीं होती बात तो सही है नहीं होती ओके तो एक्चुअली सी कैसा है पता है, हर किसी की एक डेस्टिनी होती है जो ऊपर वाले ने ऑलरेडी लिखी होती है, जो चीजें होती है वो सिर्फ एक रीजन होता है, बिकॉज शायद तुम्हारी डेस्टिनी वो है ही नहीं, तो सबकी अपनी अपनी अपना अपना नसीब होता है सबका, विच इज टोटली फाइन, बस एक रीजन होता है, जिससे कोई इंसान बुरा या अच्छा तो नहीं होता, बट एक रीजन होता है मे बी, बस वही है। तो अब हम पास्ट को पास्ट में रहने देते और आगे बढ़ते प्रेजेंट में, तो एकदम छोटा सा सवाल है जो तेरे कमेंट्स में आई गेस थोड़ा बहुत मैंने देखा, एकदम छोटा सा नॉर्मल सा सवाल, सो मुस्कान शर्मा आर यू डेटिंग समवन? ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है, जबकि आंटी बैठी है वहां पे, फिर एकदम ही नॉर्मल सा सवाल है आंसर। ओके, तो जैसे अंजू ने मुझे पहले ही बोला था मुस्कान प्लीज दोस्ती अपनी जगह, बट तुझे सब सच सच बोलना, क्योंकि मुझे सच बताया तू जहां झूठ बोलेगी मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, तो मैंने कहीं पर भी नहीं बताया, बट मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बता दू, थोड़ा सा हिंट दे दू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आई एम डेटिंग, मतलब डेट तो नहीं पर मैं तारीख पे जरूर जाती हूँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा था ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑन अ सीरियस नोट आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी, बट यस अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ, मेरे हिसाब से फिलहाल मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी शेयर करने में, बट हाँ अगर मेरी शादी किसी के साथ फिक्स होती है मैं जरूर कंफर्टेबल होंगी, मे बी आई डोंट नो होंगी कि नहीं, बट आई थिंक शादी के टाइम पे आई वुड वांट पीपल टू नो कि ठीक है ओके मुस्कान इज गेटिंग मैरिड, अभी वो डेटिंग वाला सिनेरियो मुझे नहीं रखना है। सो मुस्कान डेट नहीं करना चाहती, डायरेक्ट शादी करना चाहती है? डेट करने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ चलो लड़का देख लिया शादी कर ली, कर नहीं वैसा नहीं, डेट करेंगे फिर जब बात शादी तक पहुंचेगी तभी बाकी लोगों को पता हो ओके चलो ठीक है, फिर मैं बता सकती हूँ कि ठीक है हम इतने महीनों से या इतने टाइम से डेट करेंगे। तो तुझे इन्फ्लुएंसिंग ही करना है आगे भी या
देयर आर मोर प्लान्स, लाइक कुछ और भी है? जैसे कि ऑफकोर्स आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, स्नैपचैट पे हूँ, तीनों पे मेरे अलग अलग कंटेंट है। जो इंस्टाग्राम पे होगा वो आपको स्नैपचैट पे नहीं दिखेगा। यस, एक और गुड न्यूज मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, कल तक मैं शायद कल या परसों तक मैं मेरे 1 मिलियन जो दूसरा चैनल है मेरा मेरी मुस्कान यूट्यूब पे उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सबका ड्रीम है यू नो बॉलीवुड में आना और कोई फीचर फिल्म करना, बट आई मतलब जब तक मैं शॉर्ट फिल्म मैं खुद ही करती हूँ, जैसे आपने भी देखा जिसको लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, मिलियंस में उस पर व्यूज होते हैं, तो देखेंगे आगे धीरे धीरे करके छोटा 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 कदम रख के। सो जैसे कि फैमिली के ऊपर से बात हुई है, तो आप फैमिली के ऊपर से बात हुई है तो फ्रेंड्स क्यों पीछे रहे? फ्रेंड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली, राइट? सो अगर हमारे ग्रुप में से एक एक जन को तुझे डिस्क्राइब करना पड़ता विद वन वर्ड और वन सेंटेंस, कैसे कर करें? जैसे कि है मैं, सिमरन, अयान, आरुष, नैंसी। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अंजना के साथ ही, अंजू मतलब जो हम उसको बुलाते हैं अंजना, तो चलो ये वीडियो चालू है तो बार बार निकल जा रहा है अंजना, बिकॉज शी इज अ चिट चैट विद अंजना। अंजू के से शुरू करती हूँ। अंजू बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ऑनेस्ट है, और वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है कि शी विल किसी का कभी दिल नहीं दुखा सकती वो, और थोड़ी सी कभी कभार ना प्रायोरिटीज, हम इसकी प्रायोरिटी ऑफकोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, बट प्रायोरिटी इज फर्स्ट, यू कैन से प्रायोरिटी सेकंड, ऐसा नहीं होता है, सबका अपना अपना एक जगह रहता है, ऐसा है, मुझे पता है तू किस बट ओवरऑल बहुत ही प्यारी। और एक चीज और अंजना के बारे में, कुछ भी परेशानी हो कुछ भी हो, ऑफकोर्स मेरी बहन भी है सिमरन, बट कभी कभार जैसे कोई सिमरन से भी बोल रहे थे, बट अंजना से भी बात करके ऐसा लगता है कि दिल हल्का होता है, मतलब सारी बातें हम अंजना से कर सकते हैं, वो समझती है, समझाती है, कभी यू नो ऐसा नहीं बोलती तू ऐसा तू वैसा, वो कभी ऐसा नहीं करती, गुड लिसनर। सो यस, तो अंजना के लिए ये था, एंड आई लव यू, लव यू टू। अब आते हैं हम अयान पे। अयान पे, अयान, अयान बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा, बहुत ही हेल्पफुल, आई डोंट नो बाकियों के साथ वो कैसा है, बट मेरे सामने उसका इमेज इज बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही हेल्पफुल, कभी किसी चीज के लिए ये नहीं बोलेगा नहीं हमको कोई चीज का जरूरत है, अरे ये कैसे होगा, अयान सुनो ना, हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, मे बी उसके पास पता नहीं कैसे कहा इंडिया के बाहर भी कोई भी कंट्री में कॉन्टैक्ट उसके हर जगह है, सोफा खराब हो, नल खराब हो, कुछ कुछ डिलीवर कराना हो कहीं और, बट नहीं हो पा रहा है, बट बहुत हेल्पफुल, बट बाकी तो पता नहीं, बट हाँ हम लोग के साथ इतना हेल्पफुल, मतलब मैं हमेशा दिल से चाहती हूँ कि अयान हमेशा खुश है, मतलब दिल से एकदम, मतलब इतना अच्छा है, मतलब कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, कभी कभी नहीं होता यार तुम हमसे परेशान हो जाते, नहीं 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 कभी भी फोन करो, हाँ बोलो, मतलब बस बहुत ही स्वीट है, बहुत स्वीट, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम सभी ग्रेटफुल है कि हमें अयान जैसा दोस्त मिला है। नेक्स्ट है योर सिस्टर सिमरन। My sister, my best friend, my sister, my best friend, बाजू में बैठी है, मैं गुस्सा उसने मुझे आज के शो के लिए कपड़े निकाल के नहीं दिए, बोले खुद ले लो, उसका क्लिप भी है मेरे पास, चुपके से उसका वो मैं डालूंगी कई बार, तुम किसी और की क्या निकालो मुझे मत बोलो। वेरी रूड, एंगर इश्यूज, हाँ एंगर इश्यूज, एक्सट्रीम बिहेवियर, एंगर इश्यूज, एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, ऐसे ही करती है हमेशा, ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहती है, तो अपना काम खुद से करो ना, दूसरों को बात में जाओ, वही बातें बोल रही है मेरी बहन, जब भी किसी मदद चाहिए नहीं मुझसे मत मांगो, मैं किसी से नहीं मांगती मदद किसी भी चीज के लिए, नहीं मांगती क्योंकि सिमरन थोड़ा है, थोड़ी गुस्से वाली है वो, बट मुझसे बहुत प्यार करती है वो, मतलब वो अपने नए कपड़े, किसी किसी का होता है कि नहीं मेरे नए कपड़े हैं मैं पहनना है मुझे, बट वो मुझे मतलब मेरे आधे से ज्यादा कपड़ों का सारी चीज आज भले ही उसने निकाल के नहीं दिए, बट बोलती है मतलब कभी भी ऐसे कहीं बाहर जाना होगा ना कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये पहनिए, ये कैसे पहन के जा रही है, ऐसे करती है और हमेशा सपोर्ट करती है, कोई बात नहीं मुस्कान होता है, कभी मेरे मम्मी के बीच तू तो मैं हो जाती है, तो अगर मतलब कहीं ऐसे लगता है मुस्कान तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं यार समझा कर, कोई बात नहीं मम्मी भी थोड़ी परेशान है, ऐसा होता है, वाइस वर्सा है वो चीज, तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे सिमरन जैसी बहन मिली, वो मुझसे ज्यादा खुश होगी कि उसको मेरी जैसी बहन मिली, क्योंकि मैं उसकी सारी चीजें बर्दाश्त करती हूँ और उसको उल्टा जवाब कम देने को मैं दे सकती, बट मैं इसलिए नहीं देती, मैं सोचती हूँ ठीक है शायद नहीं है, डर मतलब तब की उसकी शादी होगी तो उसको लगेगा मेरी बहन थी जो मेरे टैंट्रम झेलती थी, तो बस यही, और बस आई लव यू मेरी सुन रही है। सो नेक्स्ट इज आरुष, आरुष के बारे में,
सबसे पहला सवाल सब लोग ये करते हैं आरुष, मतलब आधे लोगों को पता है बट बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आरुष आपका सगा भाई है कैसे क्या आप बताओ, तो अंजू के शो पे आज ये भी बता देती हूँ, आरुष तिवारी मुस्कान शर्मा आरुष सगा भाई नहीं है बट वो सगे भाई जैसा ही है, बिकॉज जितना वो प्यार करता है हमसे, जितना वो हमारे लिए करता है, मतलब वाइस वर्सा है, हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, तो मतलब कोई भी चीज करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी उसको जितना प्यार मम्मी हमसे करती है, अगर मम्मी हमको दो रोटी खिलाएगी, सिमरन को दो, आरुष को भी दो रोटी, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आरुष का घर 2 मिनट की दूरी पर है बट वो अपने घर नहीं रहता है, हमारे यहाँ रहता है, मतलब हमने सोचा कि एक प्रॉपर लीगल पेपर बनवा के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आरुष की सगी बहन कोई नहीं है बट उसकी कजिन बहुत सारी है, बट मैं ये हमेशा सोचती हूँ, उसको बोलती हूँ कि अगर उसकी कोई एक एक सेंटेंस है, बट मैं थोड़ा ज्यादा बड़बड़ी तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर उसकी कोई सगी बहन होती मैं बोलती तो इतना प्यार तो नहीं करता, बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सगी बहन होती है इतना प्यार करना, इतनी सारी चीजें करना, इतना सपोर्ट करना हर चीज में, काम से लेके हर चीज में लेके, तो बोलते नहीं दीदी नहीं, मैंने बोला ऐसा नहीं होता बट वो, मैं खुश हूँ मेरा सगा भाई नहीं है क्योंकि वो इतना प्यार करता है, नहीं तो शायद इतना प्यार भाई का हमें नहीं मिल पाता, तो बस बहुत ही प्यारा है एंड वी लव यू आरुष, आई नहीं बोला बिकॉज एवरीबडी लव्स आरुष, वी ऑल लव यू। अंजू सिमरन आयान आरुष चारों यहाँ पर है, नैन्सी नहीं तो नैन्सी देख ले तू ही बात कर उससे। तो जैसे सिमरन की बेस्ट फ्रेंड है अंजना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिमरन, देख सकते, तो जैसे सिमरन की बेस्ट फ्रेंड है अंजना, वैसे मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है नैन्सी, और मतलब हम लोग बचपन से दोस्त है, बस हम लोग एक स्कूल से नहीं, हम लोग एक ट्यूशन में थे तब से हम लोग दोस्त है, हमारी बीच बीच में बातें भी बंद हो जाती है बट फिर से हो जाती है। नैन्सी ऐसी है वो कभी भी, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी की भी गलती हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं हमेशा वो सामने से बात करे, बट कभी कभार वो सामने से बात करने में झिझकती नहीं है कि चलो ठीक है, अगर वो कुछ बुरा बोल देगी अंजू के साथ आगे दिन नॉर्मल, अच्छा सुनना अंजू ठीक है ऐसा, मतलब वैसा उसके दिमाग में नहीं है कि झगड़ा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ, हाँ हाँ वो कभी कभार चीजें दिल में नहीं रखती है, और मतलब कोई भी बातें, मतलब कभी कभार सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, वो भी बिजी रहती है, हम भी बिजी रहते हैं, बट हम लोग भले ही 10 दिन बाद भी मिले, हमारे बीच का प्यार वैसे ही रहता है, अच्छा लगता है हमें एक दूसरे के साथ मिलके, ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है हमारा बट इतना छोटा सा है, उसमें ही बहुत खुश है, और एक दूसरे का हर किसी के साथ बॉन्ड कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि भाई हम 6 लोग हैं तो किसी एक का एक से नहीं जम रहा, वैसा नहीं होता, किसी एक का एक से लड़ाई भी होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मिलाए, मतलब हो जाता है, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, तो यही था हमारा, और कुछ तो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे होता है चिट चैट विद अंजना का फर्स्ट एपिसोड खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। अब मैं नेक्स्ट आऊंगी सिमरन के साथ, तो आप अगर कुछ पर्सनल या कुछ भी सवाल आप उससे करना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन करके बताना क्या है क्या पूछना है, और बस 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 इतना पहले एपिसोड के लिए इतना बहुत है अंजू। गाइस मैं दिल से चाहती हूँ जो भी ये देख रहे हैं अंजू, बहुत सारे मतलब अभी इसका यही सीरीज चलता रहेगा, प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारे और कंटेंट आने वाले, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना, बहुत ही प्यारी सी मेरी दोस्त है, दिल की भी बहुत अच्छी है, एंड आई विश यू ऑल द लक, थैंक यू, इसी के साथ बाय।